गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको और वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने पहना है अपनी ये वाली साड़ी। अगर आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसको मैं बैक करके अच्छे से आपको दिखाऊँगी। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद करेंगे थोड़ा बहुत सा काम। राहुल जी खाना बना रहे हैं तो चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है। पहले पूजा कर लूँगी और जो भी काम होता है ना तीज का, जो भी होता है वो कर लूँगी और उसके बाद आपसे मिलते हो। तो मैं यहाँ पे आप पूजा पाठ कर चुकी हूँ। पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे हमारे में होता है कि अन्न छुआ जाता है, और उसके बाद तीज का जो भी मेकअप का सामान होता है ना, सिंगार का सामान, वो छुआ जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे अब उसमें सिंदूर माथे में लगा ले रही हूँ, क्योंकि वो सिंदूर और बिंदी ना चढ़ा हुआ था, तो हमारे लिए तो वो इम्पॉर्टेंट है। सिंदूर बिंदी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है हम वुमेंस के लिए, तो जो भी मैरिड है उनके लिए बहुत है। और मैं यहाँ पर दीदी को बोल रही थी, ये राहुल जी की ना 4th नंबर वाली बहन है, तो उनको मैं बोल रही थी कि आपने बिंदी नहीं लगाया, क्योंकि मैं उनका माथा ना खाली देख रही थी, तो बोली नहीं मैं लगाना भूल गई। तो फिर उन्होंने बिंदी लगा दी मैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं तीज का सामान छू चुकी हूँ जो भी मैंने चढ़ाया था। तो गाइस जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। और जो भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पे मेरा हो चुका है, मैं यहाँ से उठ गई हूँ, और उसका देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ किचन में। और साड़ी आप सोच रहे होंगे कि मेरी साड़ी चेंज हो गई, तो जी हाँ, आज हम ला रहे बिहार के दिन में, मतलब जहाँ गणेश चतुर्थी होता है ना, तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी को कहा जाता है चौचन्ना। चौचन्ना पूजा के नाम से बिहार में जाना जाता है ये फेस्टिवल, जो गणेश चतुर्थी के नाम से हर जगह फेमस है, वो बिहार में चौचन्ना के नाम से जाना जाता है। तो उसी के लिए मैं नहाई हूँ, नहाने क्योंकि वो तो कपड़ा जूठा हो गया था ना, उसके ऊपर मैंने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के, और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये मेरी साड़ी नहीं है, ये मम्मी की साड़ी है। मम्मी ने मुझे बहुत दिन पहले दिया था, लाइक शायद 1 साल पहले दिया था, और मैं रखी अब पहन रही हूँ। और उसके बाद मम्मी मीन्स मेरी सास का साड़ी है ये। और उसके बाद मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं ये दाल को ना बॉयल की थी, क्योंकि दाल का पूरी बनेगा एंड खीर बनेगा। बिना चीनी का खीर चढ़ता है और दाल का पूरी चढ़ता है। दाल का पूरी मीन्स आई होप कि आप सब समझते होंगे, जो लोग बिहार से होंगे वो तो समझेंगे ही, और जो लोग लाइक बाहर से होंगे तो दाल का कचौड़ी समझ लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको सीटी निकाल रही थी, उसमें गैस था ना, तो मैं वो निकाल रही थी, और यहाँ पे मैं नीचे सबसे बातें भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी जितना भी आप लोगों के साथ मैं क्लिप ले पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा ना। तो मैं आप लोग को अभी अपना किचन टूर, रूम टूर ये सब नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अभी ये सब आधा अधूरा बना हुआ है, अभी कम्प्लीट हो जाएगा। हो सकता है मैं छठ पूजा के टाइम पर लाइक नवम्बर में मैं अपने ससुराल का नवम्बर में आपको वो करवाऊँगी और टूर करवाऊँगी, किचन टूर अलग लाऊँगी और होम टूर अलग लाऊँगी, क्योंकि जब से मैं ससुराल पिछली बार भी आई थी तब भी आप लोग का था डिमांड कि आप अपना होम टूर करवाइए, किचन टूर करवाइए ससुराल का। बट मैं उस टाइम पे भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मेरा घर में काम चल रहा था, आप सबको पता है, जो लोग मेरा डेली ब्लॉग वॉच करते हैं, और अभी भी ना काम ही चल रहा है, और अभी ये जो किचन है ना इसमें पूरा किचन ही अलग हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाए तो मैं आप लोग के साथ एक बार अच्छे से ना शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे ऊपर में ना बर्तन रखा हुआ था, तो फिर वो ना मुन्नी दीदी निकाल रही थी, लाइक ये राहुल जी की 3rd नंबर वाली बहन है, तो वो निकाल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, लाइक पूरी बनाना है, खीर बनाना है जो भगवान को चढ़ाने के लिए, उसके बाद इधर सब्जी बनाएंगे, पहले ये काम कर लेंगे कम्प्लीट, उसके बाद बनाएंगे। और ज़्यादा मतलब पूजा पाठ में होता है ना कि बहुत साफ़ सुथरे चीज़ से हर चीज़ से बनाइए, इसी वजह से मैंने साड़ी भी चेंज कर लिया था, मुझे ध्यान भी नहीं था, वरना मैं साड़ी वही पहनती। और मैंने स्पेशली वो चौचन्ना के लिए लिया था, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। और उसके बाद ना यहाँ पे
मम्मी बोली तुम और दीदी ना मिलके बना लो, और मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही थी क्योंकि उनको, मम्मी ना शांति से नहीं बैठ सकती है, उनको कुछ ना कुछ करना होता है, कोई ना कोई काम उनको कोई ना कोई काम वो करती रहती है। तो यहाँ पे मेरा खीर बन चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी पूरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। फटाफट बना लेंगे पूरी और भगवान जी को चढ़ाना भी होगा, और वहाँ सब मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे दीदी लोग बैठ के ना वीडियो देख रही थी, तो मुझे भी हंसी आ रहा था कि देखो मतलब खुद की वीडियो खुद से देखो तो होता है ना थोड़ा सा। वो सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ चुके हैं छत पे, तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के पर्व आप लोग मनाए होंगे, और हमारे यहाँ चौचन्ना कहा जाता है, और ये मम्मी करती थी, बट मम्मी का तीज था ना, तो तीज के सुबह में था, तो इस वजह से ये मेरे भांजा है, तो इन्होंने ही फास्टिंग रखा था, और बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ सुबह से इन्होंने पानी भी नहीं पिया था, सुबह से नहीं पानी पिए थे, और अब ये पूजा कम्प्लीट होने के बाद लाइक खाना खाएँगे, तो ये बहुत बड़ी बात है इतने छोटे से बच्चे और इस टाइप का फास्टिंग करना लाइक बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली। बट ना ये फास्टिंग हमेशा मम्मी करती है, बट मम्मी का कल तीज था ना, तो इस वजह से मम्मी ने इनसे पूछी कि आप तुम कर लोगे बाबू, तो वो कह रहे हैं हम कर लेंगे। तो फिर ऐसे हमारा आना तो मतलब फाइनल नहीं था, बट अचानक से आ गए थे, बट वो बच्चे कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है, लिटरली बताऊँ बहुत बड़ी बात है। और यहाँ राहुल जी उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इसीलिए वो हाथ में ऐसे ना वो बास्केट लेके था कि चलो फ़ोटो मामा क्लिक कर रहे हैं। तो ये सब फेस्टिवल हमारे बिहार में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सिर्फ यही फेस्टिवल नहीं, हमारे यहाँ हर एक फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है हर एक फेस्टिवल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मम्मी ना क्या कर रही है कि उनको दे रही है फ्लावर्स दे रही थी, और मुझे कह रही थी कि अच्छे से पूजा करा दो, और मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ, हर साल करवाती हूँ हर साल भूल जाती हूँ, मेरा तो खुद ही माइंड पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी मतलब भूल जाती हूँ मैं खुद, ये तो छोटे बच्चे हैं, मैं तो बड़ी हूँ मुझे याद होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करने के लिए लगा दिया था कैमरा में स्टैंड लगा दिया था, और यहाँ बाबू के बारे में बात चल रहा था कि कैसे वो चलता है, एकदम हड़बड़ी गाड़ी की तरह चलता है, तो सब लोग उन बाबू को ही देख रहे थे उस तरफ, बाबू ना पापा को छोड़ नहीं रहा था, तो इस वजह से सब लोग बाबू को ही देख रहे थे। और उसके मैं यहाँ पे अगरबत्ती जलाने लगी हूँ, और यहाँ पे होता है ना चाँद को देख के पानी दिया जाता है, चाँद को देख के अर्घ दिया जाता है, और जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा ये चीज़ कि कैसे होता है नहीं होता है। और यहाँ बाबू का मस्ती देख सकते हैं कि बाबू को मुनिंदी लेके आई है, और ले आके उसको ना कह रही है प्रणाम करो, माथा पटको भगवान के सामने। तो यहाँ हम लोग सब आदमी पूजा में भगवान के दर्शन कर लेंगे, और आई होप कि सब ठीक रहे, माता रानी भगवान जी चैतन्य भगवान जी गणेश जी सब कुछ सही कर दे, जो भी पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना वो सब कुछ भगवान जी करे कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और यहाँ पे ना फिर बाबू को देख सकते कितना रोने लगा, हद मतलब वो ना दादा के बिना एक मिनट भी नहीं रहता, कहता नहीं दादा 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 बस दादा दादा, सोता है उतनी ही देर वो मेरे पास यहाँ रहता है, वरना वो दादा के ही पास रहता है। तो बच्चे का होता है जहाँ उसको प्यार मिलता है ना वो वहीं रहता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे मुनि दीदी सबको आशीर्वाद दे रही है, आप देख सकते हैं, तो बोले अच्छा बताइए मैं अगर यहाँ नहीं आती, अगर मैं अररिया में रहती तो ये सब चीज़ इंजॉय नहीं कर पाती है ना, तो यही कहते हैं कि लाइफ में ना कुछ नहीं रखा तो इंजॉय करना चाहिए इंसान को, हर एक लाइफ हर एक मोमेंट बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाता है और कब क्या नहीं हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय करें और खुशी खुशी रहें, पता नहीं लाइफ में कुछ नहीं समझ में आता कब क्या हो जाता है। क्या कर रहा दादाजी के साथ, क्या कर रहा है दादाजी के साथ सोना? और मम्मी को है ना कोई भी काम जो होता है ना बहुत हड़बड़ाई मतलब बहुत हड़बड़ा जाती है मम्मी की, नहीं जल्दी जल्दी करना है जल्दी जल्दी करना है, तो बस मतलब शांति से नहीं रह सकती हैं। और बताया ना मम्मी इस उम्र में काम कर रही है ना, मुझसे तो होगा भी नहीं, तो बस यहाँ से प्रसाद खा रहे हैं। मैं बना रही हूँ अभी आलू बैंगन की सब्जी, क्योंकि राहुल जी को ना आलू बैंगन का ही सब्जी खाना है, तो बस बन ही गया है, 5 मिनट में बन जाएगा।
तो अभी सा हो चुका है सारा काम मेरा कंप्लीट। अब जा रही हूँ सोने, और राहुल जी बोले कि सुबह में मॉर्निंग में जल्दी निकलना होगा, मीन्स लगता है कि शायद सुबह में 4 बजे या 5 बजे ऐसे समथिंग राहुल जी बोले निकलने के लिए। तो उसके लिए सुबह सुबह फिर उठना पड़ेगा। मेरे सारे पैकिंग हो गए हैं, जो भी कपड़े लाई थी वो एक जगह रखती हूँ मैं, जाना हो फिर उसको पैक कर लूँ। और आप लोग के डिमांड पे सारी ड्रैपिंग भी था बहुत, कि सारी ड्रैपिंग करने के लिए, तो मैं सोचा चलो ठीक है 2-3 साड़ी भी मैंने रख लिया है सारी ड्रैपिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे यहाँ ससुराल है तो साड़ी का कलेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं किसी टाइम अगर फ्री होके यहाँ पे रहूँगी ना, तो मैं आप सबके साथ ना साड़ी कलेक्शन मैं शेयर करूँगी। और अब जा रही हूँ मैं सोने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आज ये मेरे ससुराल का आखिरी व्लॉग तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज कल सुबह तो शूट करूँगी, जो भी थोड़ा मोड़ा कर पाऊँ तो करूँगी। तो मम्मी सो गई है, सब लोग सोने चले गए हैं, मैं भी सोने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट व्लॉग में आप लोग से बातें करके व्लॉग को एंड कर लेते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।